यूपी में नई सरकार ने परीक्षाओं में नकल पूरी तरह से खत्म करने का वादा किया है, लेकिन यह भी कहा है कि इतनी जल्दी नतीजों की उम्मीद ना करें। एबीपी न्यूज लगातार नकल की तस्वीरें दिखा रहा है, जो गवाह है कि नकल का धंधा किस कदर पैठ बना चुका है। हमने कुछ और शहरों की पड़ताल की है, देखिए। यूपी में नकल की पूरी तस्वीर देखने से पहले सुनिए दो दावे। नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, इस प्रकार का आग्रह हमने रखा है, प्रयास चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले के तुलना में इसमें भी सुधार हो जाएगा। अचानक चार दिन में हम पूरा परिवर्तन नहीं कर सकते, एक मैसेज दे रहे हैं। अगले साल से ईश्वर ने चाहा तो मैं एक पारदर्शी व्यवस्था को लागू करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे बच्चे खुद आगे आगे आएंगे। ये तस्वीर है जालौन के गोहन इलाके के जवाहर इंटर कॉलेज की। हाई स्कूल के अंग्रेजी के पेपर में सामूहिक नकल जारी है और यहाँ मौजूद मास्टर जी की डांट डपट भी बेकार दिख रही है। अब जरा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुए इस शख्स को देखिए, किस तरह हरे हरे नोट गिन रहा है जो उसे कुछ छात्राओं के अभिभावक दे रहे हैं। खबर यहां तक है कि एक छात्र से 10-15 हजार रुपए तक वसूल लिए जाते हैं और न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जाती है। ये मामला मथुरा के बलभद्र इंटर कॉलेज का है। वो रामस्वरूप आदर्श इंटर कॉलेज है बलदेव में जी। वो स्कूल वाला था, वो जो आपने मुझे फोटो दिखाया, परंतु उसका सेंटर जरूर है यहाँ। वो स्कूल वाला मेरे गेट पर भी नहीं आएगा निश्चित रूप से, और मैंने एसओ बलदेव को बता दिया। मुझे बहुत ताज्जुब है इस बात का कि हमारे अगर एडेड कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज में ये चीज़ें आएंगी तो बहुत ही चिंताजनक हैं, और मैं निश्चित रूप से इसकी पूरी तह तक जाऊँगा, जाँच कराऊँ। पति के साथ खड़ी बीए की इस छात्रा के मुताबिक जब उसने नकल के लिए अवैध वसूली का विरोध किया तो नकल के दो ठेकेदारों ने बेहद बुरा सलूक किया, धक्का दे करके मेरी कॉपी छीन ले और उसको फाड़ दिए और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मैं बाहर तब तक खड़ी थी जब तक पेपर नहीं छूटा। मेरे पति वहाँ पे आए और राजीव सिंह और राकेश पटेल सिंह दो चार लोग और थे उनके साथ, उन्होंने मेरे पति को मारा। आलम यह है कि इम्तहान के दिनों में मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा और पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया है। एबीपी न्यूज ने आपको ये वीडियो भी दिखाया था जिसमें कथित तौर पर एक शख्स पेपर बढ़ते ही उसे बाहर ले आया। इस मामले की भी जांच का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। मैंने इस संबंध में आख्या संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से मांगी है और मैं इसकी जांच करा रहा हूं, और जैसे ही मुझे जांच में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ मैं कठोर से कठोर कार्रवाई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।